वंदे मातरम गोविंद भाई, कुछ अनुभव आपको बता नहीं पाया हम, क्योंकि हमें समय नहीं मिला सरकारी ड्यूटी की वजह से। अनुभव को वीडियो बताने वीडियो करने में समय नहीं मिला, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। एक अनुभव में ग्रुप के मेंबर को और देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे बीवी का पूरे शरीर में दर्द दर्द था, जैसे कि स्पंडलाइसिस, साइटिका, बदन दर्द, कमर दर्द, घर दर्द, बहुत सारे दर्द था। तो इतना दर्द कि वो चलने में दिक्कत था, उठने बैठने में दिक्कत था। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ बोला साइटिका, कोई बोला स्पंडलाइसिस, कुछ ने बोला नर्वस सिस्टम, न्यूरो प्रॉब्लम है। तो गोविंद भाई से हम परामर्श ली कि व्हाट्सएप मैसेज किया कि ये बात, पूरे शरीर में दर्द है। तो गोविंद भाई व्हाट्सएप में उनको भेजा, एक मैसेज भेजा कि उसमें आधा चम्मच हल्दी, मेथी सॉल्ट और पिपला मूल और अश्वगंधा, ये पांचों को बराबर मिला के मिक्स करना है चूर्ण बना के। वो हमने चूर्ण बना के मिक्स किया, उसके बाद रात को दो चम्मच एक गिलास पानी में भिगो के सुबह उबाल के छान के पीना है, और सुबह भिगो के शाम को, ये हमने दो टाइम शुरू किया। और एक मालिश के लिए बोला था, मालिश तेल हमने बनाया, जैसे सरसों तेल 250 ग्राम, उसमें 7-8 चम्मच लहसुन और अजवाइन और क्या बोला था वो भी हमने किया, लेकिन उस तेल को हम यूज नहीं किया, तेल घर में बना कर रखे वो लगाया नहीं, सिर्फ यही चूर्ण ये सिर्फ ये जो चूर्ण बताया था गोविंद भाई ने, वो सिर्फ वो चूर्ण लिया है। तो 7-10 दिन लेने के बाद शरीर का पूरा दर्द गायब हो गया। हमारा बीवी तज्जुब हो गया कि ऐसा भी काम होता है ऐसा घरेलू चिकित्सा में। तो बहुत कारगर है गोविंद भाई, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसका तो मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत बढ़िया काम है इस चीज़ का। इतना दर्द था कि हम आपको कह नहीं सकता, अभी भी मेरा उठ नहीं पाता ठीक से, सुबह शाम पैर में बहुत तकलीफ था। तो ये चूर्ण 10-15 दिन लेने से पूरा एकदम दर्द गायब हो गया, फिर भी तो हमारा खुश हो गया, बोला कि ये चूर्ण और भी बनाओ, हम रोज़ खाएंगे, अबे हमको बनाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही लेता है और भिगो देता है रात को, और सुबह उबाल के छान के वो पी लेता है, और सुबह भिगो के रात को। तो ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त नुस्खा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, आप ऐसा काम करते जाइए, हम लोग आपके साथ है, भगवान आपको सुखी रखे सदा। नमस्ते गोविंद भाई, वंदे मातरम। और भारतवासी को हम यही कहना चाहते हो कि एलोपैथिक छोड़ दो, आयुर्वेदिक में आओ, गोविंद भाई के शरण में आओ, कुछ नहीं, अभी इतना इतना अच्छा कारगर, इतना अच्छा घरेलू चिकित्सा में बताता है, निःशुल्क बताता है। हम लोग खामखा एलोपैथिक में MD डॉक्टर को दिखाते हैं और लाख लाख रुपया बर्बाद करते हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं। तो गोविंद भाई के शरण में आओ,
बस यही कहना चाहता हूँ भारतवासी को, हमारा देश का ट्रीटमेंट आयुर्वेद है, ये अपना, और सुस्त स्वस्थ रहो, सुखी रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम।